In this module, we will discuss the simple amino acid glycine as we have discussed in the last module the three forms of the alanine. We will discuss the titration of glycine with reference to its two groups, which are carboxylic and amino groups. A simple amino acid glycine is a diprotic acid, it means that it has two protons, one the carboxyl group and one the amino group, when it is fully protonated. This means that it has two groups, the carboxyl group and amino group that can yield up protons. के amino group pe भी हमने define किया ek एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा लगा हुआ है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी डिसोसिएटेड नहीं है तो दोनों ग्रुप्स एक एक प्रोटोन दे सकते हैं फिगर शोज द टाइडेशन कर्फ ऑफ द डाइप्रोक्टिक फॉर्म ऑफ ग्लाइसीन इसका मतलब है कि दो प्रोटॉन इस ग्लाइसिन में

टू टू डिस्टिंग स्टेजेस हैं एस्टिक एसिड में तो एक ही स्टेज आई थी इसमें टू डिस्टिंक इसलिए है कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जिसने अराउंड टू पी जो है डिसोसिएट होना है और अपना प्रोटॉन देना है और सेकेंड इज दी अमाइनो ग्रुप जिसने हायर पी एच में जाकर जो वीक एसिड है अराउंड नाइन पी उसने अपना जो प्रोटोन वो डोनेट करना है सो दू द्लॉट हैज टू डिस्टिंक स्टेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ

ये जब हम इसमें वी एड अल्कली इन टू दिस एसिडिक फॉर्म जहां पर हम अल्कली डालना शुरू करते हैं एट हमने जहां पे डिफाइन किया है जहां हाफ इज डिप्रोटनेटेड होता है एंड हाफ इज नॉट डिसोसिएटेड तो दैट पी एच इज इक्वल टू पी के ए तो दिस पी के ए इज टू पॉइंट थ्री इज द पी के ए वैल्यू ऑफ दिस हाइड्रोक्सल ग्रुप एज वी हैव डिफाइंड्रोक्ल ग्रुप की अराउंड टू पी एच जो है वो पी के ए है इट मीनस के एट पी एच अराउंड पी एच टू हाफ इज डिसटेड एंड हाफ इज नॉन डिसोसिएटेड एंड एज वी एड ऑन देश ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्म टू में यहां पर इसने एक कार्बोक्सिल ग्रुप ने अपना प्रोटोन दे दिया एज वी एड मोर एंड मोर अल्कली अराउंड 9.6 पीएच ये अपना दूसरा प्रोटॉन जो माइनोग्रुप है वो भी दे के कन्वर्ट हो जाता है एंड अराउंड 12 पीएच इट इज़ फुली डी प्रोटोनेटेड एट वेरी लो पीएच द दी डोमिनेंट आयोनिक स्पीशीज ऑफ ग्लाइसिन इज फुली प्रोटोनेटेड प्रोटोनेटेड फॉर्म इट मीन्स के जब इसकी पीएच लो होती है लेस देन टू वन के अराउंड होती है तो पूरे का पूरा ग्लाइसिन जो है उसमें एक अमाइनो ग्रुप यहां पे लगा हुआ है और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप के एक अमाइनो ग्रुप के ऊपर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर भी हाइड्रोजन है सो इट इज इट हैज नो ऑप्शन टू हैव एन अदर प्रोटोन तो ये फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म कहलाएगी इस स्टेज पे एट द मिड पॉइंट ऑफ एनी टाइट्रेशन अ पॉइंट इज रीच वेयर पी एच इज इक्वल टू पी के ए ऑफ द प्रोटोनेटेड ग्रुप बींग टेटेड हमने पहले डिस्कस किया है कि जहाँ हाफ जिस जिस कंसनट्रेशन पे हाफ इज टाइटेशन जब हम कर रहे हैं वेयर हाफ इज प्रोटोनेटेड एंड हाफ इज डी प्रोटोनेटेड और हाफ इज डिसोसिएटेड एंड हाफ ऑफ द एसिड इज नॉट डिसोसिएटेड इस पॉइंट पे पी इज इक्वल टू दी के At the midpoint in the first stage of the titration in which the carboxyl group of glycine loses its proton, equimolar concentration of the protonated form, that is the, this is the protonated form, fully protonated and the deprotonated form. This okay, midpoint is midpoint, pe hai, jahan pe equimolar half is deprotonated and half is fully protonated. This species, half species you have deprotonated and half is protonated form. This is the midpoint, and this is at that point pH is equal to pKa. As the titration proceeds, another important point is reached which is at pH 5.97. This is a point at which removal of the first proton is essentially complete. एक प्रोटॉन जो कार्बोक्सिल ग्रुप का है वो पूरा कंप्लीट हो गया और सेकेंड प्रोटॉन जो उसने लूज करना है फ्रॉम अमाइनो ग्रुप से वो जस्ट स्टार्ट हुआ एट दिस पीएच ग्लाइसिन इज प्रेजेंट लार्जली एज ए डाइपोलर आइन इस पे चार्ज कोई नहीं होता लेकिन डाइपोल है एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ हाइड्रोजन पॉजिटिव है एनएच पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है लेकिन यहां पे ये जुटर फॉर्म में है

पी जो है अराउंड ट्वेल्व पे ये असेंशियली कंप्लीट हो गया और ये ग्लाइसिन प्रीडोमिनेटली सारी की सारी डिप्रोनेटेड फॉर्म में चली गई दिस इज द कर्व वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी के यहाँ पे हमने पहले डिफाइन किया था कि जब हमने अल्कली डाली तो कार्बोक्सिल ग्रुप ने यहाँ से अपना हाइड्रोजन आयन दे दिया डिप्रोनेटेड हो गया और ये जिटर फॉर्म में चला गया जब हमने और अल्कली ऐड की तो यहाँ पे आके ये अमाइनो ग्रुप ने यहाँ पे जिट्राइन फॉर्म से ये कन्वर्ट हो गया फुली डी प्रोनेटेड फॉर्म पे और इसकी पी के टू जो है इट इज़ नाइन पॉइंट सिक्स एंड इन दिस नाइन पॉइंट सिक्स पे जो है हाफ इज डी प्रोनेटेड एंड हाफ इज प्रोटोनेटेड सो एट 12 पी एच यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फुली डी प्रोटोटेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कैन वी एड मोर एंड मोर अल्कली एंड दिस टाइट्रेशन कर्व इज अचीव